सबसे बड़ी खबर है व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं घटनाक्रम क्या हुआ है कि आज सुबह हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल, उनकी अपील को एक तरह से जब स्टे करने से इंकार कर दिया अरेस्ट को, वो चाहते थे कि उनपे कोई कोएर्सिव एक्शन ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी की आशंका जता दी है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की चेष्टा करी जा रही है। इस समय की ये सबसे बड़ी कहानी है, सबसे बड़ी स्टोरी है व्यूअर्स, और व्यूअर्स ये अपने आप में घटनाक्रम है। हाई कोर्ट ने आज ही स्टे देने से इंकार किया है और आज शाम को दिल्ली पुलिस समन लेकर पहुंची है। ईडी की रेड चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहां पर, जो खबर सौरभ भारद्वाज ने खुद दी है अभी कुछ देर पहले। क्या गिरफ्तार हो जाएंगे आज अरविंद केजरीवाल? अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता नहीं है कि कोर्ट, आप बार बार संविधान संविधान की बात करते हैं लेकिन कोर्ट भी तो संविधान सम्मत होता है, अगर कोर्ट राहत नहीं दे रहा तो इसका मतलब तो मैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मैं तो देश की संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं न्यायपालिका का सम्मान है, कौन कहता नहीं है। न्यायपालिका अगर सम्मान नहीं है तो न्यायपालिका ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह का आचरण तो आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से उनका रवैया है। न्यायपालिका ने तो राहत नहीं दी, लोकतंत्र खतरे में आ गया। एक पोलिटिकल पार्टी का खाता सील हो जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। अगर एक नेता को अरेस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। अच्छा ये बताइए सोशल मीडिया लोकतंत्र बाहर हो गया। अच्छा ये बताइए चुनावी बॉन्ड हम आपसे पूछ सामने कर दिए तो लोकतंत्र बहाल हो गया। बोलने तो दो, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंडा भी अपने पास छुपाया जा रहा था। अरे क्यों छुपाए, अरे मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ क्यों छुपाया जा रहा था, क्यों छुपा जा रहा था। एसबीआई में किसने कितने पैसा दिया क्योंकि उसके लिए एसबीआई ने सामने रख दिया, हमें जानना पड़ेगा। अब एसबीआई ने सामने रख दिया, आम आदमी पार्टी क्या छुपा रही थी, मतलब आम आदमी पार्टी क्या छुपा रही थी ये आप बताओ। तो बताइए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वोट की चोरी कौन कर रहा था, लोकतंत्र नहीं था। मैं आपसे पूछता हूं बताइए, प्रियंका कक्कड़ आप भी वकालत करती हैं, आप दोनों से मेरा सवाल है कि ऐसे मामले के अंदर क्या यही टाइमलाइन रहती है, क्या दोपहर को मना करा और शाम को ईडी पहुंच गई? गौरव भाटिया आंसर दिस। मैं फिर से आपको वन सेकंड प्रियंका, आई विल कम बैक टू यू। गौरव भाटिया फर्स्ट, गौरव भाटिया। अमित जी पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं और जो मेरा अपना तजुर्बा है मैं आपको बता सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने एक अंतरिम राहत मांगी कि सारे जो समन्स है वो स्टे हो जाए। अगर आप समन्स का पालन नहीं करते तो जांच एजेंसियों को ये अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सके।